हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, RPFSI 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके में, मैथ में, रीजनिंग में, वो भी सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अपने सभी दोस्तों के साथ में प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अपने जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपने स्टडी ग्रुप बना रखे हैं, सब जगह पर शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं लगातार आपको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है टाइम मैनेजमेंट की। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, मैंने 20 टेस्ट की आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी है, जिसके प्राइस 199 है। अगर आप इसको परचेज करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें जीके, मैथ, रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो परचेज की थी तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ, मैं आपके लिए अच्छा वर्क कर रहा हूँ और आप इसको लाइक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम आपका सबसे लंबा डैम है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम, वो टिहरी डैम हो जाता। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चन भी आपका नेक्स्ट पूछा जा सकता है, ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, कौन से देश में दोहरी नागरिकता दी जाती है? तो देखिए, दोहरी नागरिकता बहुत सारे देशों में दी जाती है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन का जो ऑप्शंस थे वो देखकर ही आंसर बताया जा सकता था। जैसे कनाडा हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनमें बहुत सारे देश हैं जो जिसमें आपकी दोहरी नागरिकता दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। मेनली आप टॉपिक को नोट करिए, इन क्वेश्चन को भी नोट मत करिए, ये देखिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको एक पेपर पे साथ ही साथ नोट करते चलिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके और उस टॉपिक से रिलेटेड जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं पढ़ के जाइएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये पूरी उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है, ये आपका जगन्नाथ मंदिर यहाँ पर है, तो ये भी आपका रिपीट हो सकता है। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है? तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए, एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, कमीशन सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि स्टेट में जो इलेक्शन होते हैं वो कराता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आपके सेंट्रल के चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभी एक जो करंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अंचल कुमार ज्योति जी अभी बनी है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपका पूछा जा सकता है। और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है वो है आपका प्रकाश रावत, और एक और है सुनील अरोड़ा। हाँ, सुनील अरोड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड फैक्ट अगर आप क्लियर करते हुए चलेंगे ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट देगा। नेक्स्ट है आपका, देव समाज के संस्थापक कौन है? तो ये आपका शिव नारायण अग्निहोत्री राइट आंसर हो जाएगा भाई। और एक दो क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक हो जाता है बाय मिस्टेक से, तो आप थोड़ा सा उसको धैर्य के साथ में आंसर बता दिया करें कमेंट बॉक्स में कि सर सही आंसर ये है। बाय चांस मैं जल्दीबाजी में लेके आता हूँ, एक दो आंसर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो लेड और टिन का मिश्रण होता है सोल्डर, ठीक है, जिससे टाका लगता है, आपने देखा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रिगार्डिंग कुछ और भी चीज़ें पढ़ लीजिए, जैसे कब ये मतलब ये ट्रेजेडी हुई थी, कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 में, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुई थी। ये भारत के जो पंजाब प्रांत के अमृतसर है वहाँ पे स्वर्ण मंदिर भी है, उसके निकट जलियांवाला बाग है, वहाँ पे ये हुई थी। तो ये इस तरीके के पॉइंट आप अपने क्लियर करते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, वो सकने में वाली बात है कि हो सकता है, बट ये पॉइंट जो आप टॉपिक उसी टॉपिक से पढ़ लेंगे तो वो जरूर आपका रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, हरियाणा हुरिकेन के नाम से किस प्लेयर को जाना जाता है? तो कपिल देव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संघीय न्यायपालिका किस भाग में है? तो भाग 5 में, ये आपसे पूछा गया था। एक था वोडाफोन और आइडिया का, देखिए विलय हो गया है, मतलब मर्ज हो गए हैं, और इसके सीईओ कौन बने हैं? ये बलेश शर्मा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बलेश शर्मा।
नेक्स्ट आपका, किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ये निर्वात में होता है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फेरोन गैस। ये भी आपका देखिए कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, अगर आपने ALP और ग्रुप डी के एनालिसिस देखे होंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे भी आए थे और यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है? तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक मैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो सब। तो आप जो छोटा सा त्रिभुज कोने में बना होता है इस पर क्लिक करके चेक कर लिया करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से जाके पढ़ लिया करें। किसी देश का संविधान लिखित नहीं है? किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ब्रिटेन का संविधान लिखित में नहीं है, ठीक है? जैसे अपना जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है वो लिखा है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? तो ये ऐसा मतलब बहुत सी कंट्री में नहीं है, तो ब्रिटेन यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा। शरीर में रक्त को जमने से रोकता मतलब जो शरीर में रक्त हमारा चलता है इसे ये जमता नहीं है, तो ये किसके कारण नहीं जमता है? हिपेरिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हिपेरिन, ठीक है? भारत में स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो ये श्यामजी कृष्णा वर्मा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इन्होंने की थी। नेक्स्ट आपका, WHO ने TB को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक का लिया है? तो 2030 तक TB को जड़ से ख़त्म करने का लक्ष्य लिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो नेक्स्ट आपका, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति? तो अमुंडसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, गुड अर्थ बुक रिटर्न किसने लिखी है? मतलब ये प्रिल एस बक राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, आगे भी रिपीट हो सकते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ओवरऑल जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं ये मैंने बता दिए, तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। प्लस मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे आपका स्टैटिक GK का पोर्शन, ठीक है, मंदिर हो गए, और जितने भी आपके ये लॉर्ड कर्जन और ये सब कुछ जितने भी हैं, मतलब वाइस रॉयज जितने भी थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो मंदिर हो गए, ये मेन जितने भी टॉपिक मैंने ऊपर से नीचे तक बताया आपको क्वेश्चन, इनमें से टॉपिक निकाल लीजिए और उनसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। करंट अफेयर ज़्यादा नहीं पूछी जा रही है, प्लस आपकी अगर बात की जाए साइंस भी ज़्यादा नहीं है, तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो इस पे ज़्यादा दीजिएगा फोकस। और यहाँ पे अगर आपने टेस्ट अभी तक परचेज नहीं किया तो कर लीजिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, 200 रुपये, 199 रुपये है, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है। अगर आप इसको परचेज करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन बहुत ही कम भेज पा रहे हैं, वो रीजन कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा जिस पे आप, मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर भेज दे रहे हैं, क्योंकि GK के क्वेश्चन तो बता देते हैं बच्चे, बट मैं तो रीजनिंग के नहीं बताते हैं। तो मैं आपको एक शाम के टाइम एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ 9 और 10 के बीच में, जिसमें आपको डेली मतलब कल से स्टार्ट कर दिया है, डेली आपको मिलेंगे मैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन, तो उसको जरूर देख लिया करें। यहाँ पे अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क से, नंबर सिस्टम से, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, CISI से, एवरेज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, टाइम डिस्टेंस मेंसुरेशन और DI से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, सीरीज होगी, काउंटिंग फिगर हो गया, प्लस आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनालॉजीज होगी, मिरर वाटर इमेज और फिगर और डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे जो मेनली प्रॉब्लम आ रही है वो सिटिंग अरेंजमेंट में आ रही है, मतलब कि जो बच्चों ने मतलब अनएक्सपेक्टेड है, जो कि पढ़ के नहीं गए थे, बाकी तो सारे चैप्टर मैंने कवर करा रखे हैं, ठीक है? तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उतने बिल्कुल अच्छे से आप करके आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सब कुछ अटेम्प्ट करना भी यहाँ पे सिलेक्शन की एक वो नहीं होती है, मतलब बोलते हैं ना कि सिलेक्शन वो नहीं लेता कि सारे क्वेश्चन करके आएगा, सिलेक्शन वो लेता है लेगा जो क्वेश्चन कुछ छोड़ के भी आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको मतलब छोड़ने में ही फ़ायदा होता है, और उनमें आप नंबर नहीं ला सकते और अपने नंबर डिक्रीज़ कर लेंगे, तो सारे अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप होगा, कॉल नहीं होगी, तो प्लीज़ आप इस पर कॉल ना करिएगा,
इस पे व्हाट्सएप पे जितना आप क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा जाकर के टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा और ग्रुप, और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ मलिक सर्च करके, SAURABHMALIK। इससे होगा क्या कि कई बार क्या होता है कि आप कमेंट करते रहते हैं और मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, कई बार नहीं मिस हो जाता है, दिखता नहीं है। तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे अगर मैसेज करते हैं आप तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो वहाँ पे देख लेता हूँ और आपके मैसेज का रिप्लाई, मतलब पूरा पूरा चांस ही रहता है कि रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।